यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। परमहंस संत हिरदाराम साहेब जी के चरणों में नमन। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया और दामाद, सभी के चरणों में मेरा नमन। 42 साल पहले मैं बहुत बीमार हुआ, कहीं नहीं ठीक हुआ। जब संत जी के यहाँ गए, उन्होंने कहा नेचर क्योर में जाओ। नेचर क्योर में गए, वो दिन और आज दिन, फिर 42-43 साल से सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। बुखार को डिमांड करते बुखार नहीं आता है, सिर दर्द को डिमांड करते हैं सिर दर्द नहीं आता है। पहले 24 घंटे में सर दर्द रहता था। और जो संत जी के नाम से ये जो खजाना मिला है, तो संत जी ने जो ये आरोग्य केंद्र में एक वरदान दिया है कि यहाँ की अगर कोई मिट्टी भी शरीर पे लगाए तो दुखड़े दूर होते हैं। और उनके नाम से ही एक नेचुरोपैथी का मेडिकल कॉलेज खोला है। ये नंबर वर्ल्ड का नंबर वन है, जहाँ मेन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो डॉक्टर भोजराज छाबड़िया उनकी ट्रू कॉपी बन जाएं। डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जी एक ऐसे डॉक्टर थे जो पैसे के लिए प्रैक्टिस नहीं करते थे। कोई भी आता था उसको बोलते थे ये बीमार क्यों हुए हैं, आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, इसके बाद फिर कभी बीमार नहीं होना, अगर बीमार होना तो मेरे पास नहीं आना। वो चाहते थे जो एक बार आया है वो स्वास्थ्य में स्वावलंबी बने। जैसे आज हमें उन्होंने ज्ञान दिया है, तो आज हम बीमारी को डिमांड करते बीमारी नहीं आती है। तो उनका जो उद्देश्य था, आप जो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो भाव जी की आज्ञा से हमने स्टार्ट किया है, ये जो शिविर चालू हुए हैं, ये शिविर इसलिए चालू किए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी हम ऑफिस में जाते हैं पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सही काम कैसे करें। खाना बनाने नहीं आता है, हमें सिखाया जाता है, लेकिन ये जो मशीन भगवान ने दी है ये कैसे सही काम करे कोई हमें सिखाता नहीं है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं, ये यहाँ पे ये वर्कशॉप है, यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक एक दिन में कैसे रिजल्ट आते हैं। और दूसरा, संत जी ने इसको वरदान दिया है, ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे आपके जितने भी रोग हैं वो आप यहाँ पे छोड़ के 8 दिन के बाद यहाँ से निरोगी होके जाएं। ये असंभव नहीं है, रिजल्ट तेजी से मिलता है क्योंकि संत जी का ब्लेसिंग है जो उनका वरदान है। और उनके मन में जो भावना थी कि ये ट्रेनिंग स्कूल है, यहां से पूरी दुनिया को प्रशिक्षण देके निरोगी करके और जीवन का आनंद लेते हुए ये जीवन सफल करना है, उस भावना को लेकर के ही ये जो प्रशिक्षण शिविर हमने शुरू किया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं बीमारियां क्या बोलते हैं, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं बीमारियों से घबराइए नहीं, बीमारी जो है वो हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। हम जो गलतियां करते हैं तो हमें वो जो है सचेत करते हैं, शरीर हमें सचेत करता है कि आप संभल जाइए भैया, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे आपकी स्थिति बिगड़ेगी। तो बीमारियां वो हमारे बोलते रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। तो हमें समझना है कि हमने कहां कहां गलतियां की है और हम क्या करें कैसे निरोगी हो जाएं। हमारे गुरुजी बोलते थे, देखिए एक होता है ड्राइवर, एक होता है मैकेनिक। ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी तो अच्छी ड्राइव करता है लेकिन अटक गई तो मैकेनिक के पास जाता है। हमें कभी कुछ होता है,
हम जब जाते हैं किसी डॉक्टर के यहाँ तो हमें डॉक्टर के यहाँ हमें सही दिशा नहीं दी जाती है, हमें उलझाया जाता है। आप ये टेस्ट करवाइए, आप ये टेस्ट करवाइए, आप ये करिए, आपके बिगर टेस्ट के हमें कैसे पता लगेगा। लेकिन हमारे गुरुजी, हमारे जो गुरुजी, हमारे जो लुई कुनी, अमेरिका के लुई कुनी हैं, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है, एक किताब लिखी है उन्होंने कि मैं तंदुरुस्त हूं या बीमार। उन्होंने कहा है डेली आप देखिए, क्या देखना है, हमारा पेट साफ हो रहा है, पेट साफ होगा तो भूख लगेगी, दूसरा हमें नींद आ रही है या नहीं आ रही है ये देखना है, तीसरा शरीर पीड़ा रहता है या नहीं है, और पांचवा पेट छाती के अंदर है या नहीं है। केवल ये पांच चीजें अपने को देना देखना है, बस कोई डायग्नोस नहीं चाहिए। हमारे प्राक चिकित्सा में बोलते हैं फैलेसी ऑफ डायग्नोस, रोग निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको पेट का दर्द हो रहा है, क्यों, पेट साफ नहीं हुआ है, गैस बन रही है, गैस आपको तकलीफ दे रही है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि आप एंडोस्कोपी करवाइए, एक दो दिन उसमें एंडोस्कोपी में लगता है, आपकी तकलीफ तो दूर नहीं हुई, लेकिन कुदरत ने हमें यहां पे दिया है ये लाइफ सेविंग एपरेटस। ये लाइफ सेविंग एपरेटस ऐसा है कि पांच मिनट के अंदर पेट साफ हो जाता है, और पिसी हुई सौंठ और शहद आपको दे दे तो गैस को वो पेट के रस से बाहर निकाल देता है, पांच मिनट के अंदर रिजल्ट आती है। यहां आप देखेंगे कि आपके एक एक दिन में कैसे रोग निकल जाते हैं। तो बीमारियों से हमें घबराना नहीं है, हमें डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे इंसान जब तक खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनेगा उसका कल्याण नहीं होगा। और मैं बताऊं कि जो कुदरत ने मेरे को खजाना दिया है, तो हमने ये एक बुक लिखी है, बुक कौन सी लिखी है, रोग निवारण की सरल प्राक चिकित्सा। सरल प्राक चिकित्सा, आप घर में कोई भी हो, अपने को कोई तकलीफ हुई है, आप कैसे ठीक करें या क्या करें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस किताब के दो पार्ट हैं, पहला नंबर है, पहला नंबर जो है वो है सिद्धांत पे, सिद्धांत माना इस मशीन को क्या चाहिए, इसको भूख लगती है तो भोजन देना है, प्यास लगती है तो पानी देना है, थके हुए तो विश्राम करना है। पहला नंबर है सिद्धांतों का, और दूसरा नंबर है जो है अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या करें। तो अभी हम जो यहां से अब शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आज पूरी दुनिया को कब्ज है। कब्ज क्यों होता है, देखिए कब्ज क्यों होता है और हमें कैसे पता लगता है कि हमें कब्ज है। पेट में भारीपन, पेट साफ न होना, पेट साफ होने में अधिक समय लगना, उसके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है जो कुदरत ने हमें आंतें दी है वो उनकी कमजोरी हुई है। और दूसरा, हर एक इंसान की होती है आदत, पेट भर भी जाता है तो स्वीट डिश चाहिए, बिगर भूख के वो ज्यादा खाता है। और तीसरी होती है शौच रोकने की आदत। और उसका इलाज क्या है, पहला नंबर आता है नेचर क्योर में पेट को ठंडा करना। जहां पे भी हम ठंडक पहुंचाते हैं वो उस अंग की पावर बढ़ती है। और इसके अलावा कटी स्नान है और सूती उनी लपेट है, एनेमा है, नींद है, कमर के व्यायाम है, ये जो है ये हमें तुरंत रिजल्ट देते हैं। और इसके अलावा जो हमारी आंतें कमजोर हुई है तो आंतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुदरत ने हमें दिया है आंवला करेला। आंवला करेला ऐसा है, ये अगर हम लेते हैं तो हम पखाने को भी रोक नहीं पाते हैं, ये स्ट्रांग परगेटिव है। हम जुलाबी दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन जुलाई भी दवा भी जो है वो हमारे आंतों को कमजोर करती है। लेकिन ये जो कुदरत ने हमें नेचुरल मेडिसिन दी है
आंवला, करेला, ये आंतों की शक्ति को बढ़ाता है। और पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा, नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। तो ये, और दूसरा जो ये कब्ज पैदा करने वाली चीजें हैं, ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें, इनसे क्या होता है, इनसे बनती है लई। ये लई आंतों के दीवारों पे चिपकती है, सड़ती है तो गैस बनती है, गैस जहां टकराती है वहां दर्द होता है। तो इसको ये नेचुरल वे से ठीक करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये जितने भी रोग होते हैं वो 101% रोग जो है वो कब्ज से होते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी जो 64 साल में पीएचडी मेरी चल रही है और पीएचडी का जो टॉपिक है वो है कब्ज। और कब्ज को दूर कर दीजिए तो आपके जितने भी रोग हैं सब खत्म हो जाएंगे, और अगर कब्ज नहीं है तो कभी जीवन में रोग नहीं होगा। और कुदरत ने, मैं आपको एक बात बताऊं, कुदरत ने ये जो आज पूरी दुनिया बीमार है, बीमारी और कहीं नहीं पड़ी है, कुदरत ने ये 5 फिट की कोलोन दी है हमें। ये 5 फिट ये है रोगों की जननी। अगर ये 5 फिट फिट है तो 500,000 साल जी सकते हैं, जितनी उम्र जो जीना चाहे वो जी सकता है। अभी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है आप देखेंगे सब इस कोलोन में पड़ी हुई है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, कुदरत ने ये पालक, आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद, गाढ़ी निद्रा और एनेमा, इससे हम ये जो है इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या है, कुदरत ने हमें ये पाचन तंत्र दिया है सभी को। ये बोलते हैं ये फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज है, जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो कभी जीवन में बीमार नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कोई भी चीज है सबसे पहले हम यहां से मुख से लेते हैं, ये मुख से जो लेते हैं ये आती है पेट में, यहां पे पचती है, इसके बाद फिर ये आंतों में आती है, कंप्लीट पाचन यहां पे हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख से होता है, प्रोटीन का पाचन पेट से होता है, और ये जो फैट्स का पाचन या डियोडिनम में होता है, और इसके अलावा जो बाकी कंप्लीट पाचन होता है आंतों में, छोटी आंत में। और जो अच्छी चीज बनती है वो शरीर ले लेता है, और गंदी चीज जो है वो शरीर यहां ये बड़ी आंत में यहां से फेंकता है। तो कुदरत ने ये जो रेक्टम दिया है ये हमेशा अपने आप को खाली रखता है, जैसे ही कचरा यहां पे आता है तो यहां से सीधी सूचना जाती है दिमाग को कि हमें फ्रेश होना है। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कंट्रोल, छोटा बच्चा कहीं भी पोटी कर देता है, जैसे ही बड़ा बच्चा होता है, बेटा देख के करना, गंदा नहीं करना। और इसके अलावा हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, सुविधा नहीं है, हम रोकते हैं, बिजनेस पे बैठे हुए हैं या नौकरी में बैठे या काम में बिजी हैं, हमें टॉयलेट बाथरूम की इच्छा होती है, हम रोकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जब टॉयलेट बाथरूम की इच्छा होती है, अगर सुविधा हो आप तुरंत चले जाओ, कितना अपना अच्छे ढंग से पेट साफ होता है और शरीर हल्का हो जाता है। जब हम रोकते हैं और फिर टॉयलेट जाते हैं हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। क्यों, क्या होता है कि यहां पे जो रेक्टम है, रेक्टम में जो सेंसेस रहते हैं, जैसे कोई टच करता है तो पता लगता है ना, तो जो सेंसेस रहते हैं तो सेंसेस ये डल हो जाते हैं जब हम रोकते हैं। फिर जो भी कचरा आता है तो इस रेक्टम में आके जमा होता जाता है, ये जो रेक्टम है ये बल्की हो जाता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, और गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, और गैस जहां टकराती है वहां दर्द होने लगता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं, इनसे बनती है पुट्टी लाइक पेस्ट।
ये जो पुटी लाइक पेस्ट बनती है ये हमारी आंतों के दीवालों पे चिपकती है। ये देखिए आपको इस दीवार पे भी चिपकी हुई है और पूरे जितनी भी दीवारें होती है अंदर कोलोन की उसमें चिपकती है। और हमारा मल जो है वो डेली केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा मल ये उंगली के बराबर निकलता है। और इसके अलावा हम जो ये चाय कॉफी लेते हैं, चाय कॉफी क्या करती है, ये जो हमारा जो दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, इसको वीक करती है, कमजोर करती है। और क्यों, ये जब नर्वस सिस्टम वीक होता है तो हमारा ये पाचन तंत्र वीक होता है। और इसके अलावा हम जो घी तेल चिकनाई खाते हैं हजम नहीं होता है। चावल चपाती जब हम 1 ग्राम खाते हैं तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है, घी जब 1 ग्राम खाते हैं तो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। अगर हम घी खाएं तो खूब नाचें कूदें, जब हम नाचते कूदते नहीं हैं तो ये जमा होता है। ये देखिए जमा है ना, ये रास्ता ब्लॉक है। जब ये रास्ता ब्लॉक होता है माना इसको जो बड़ी आंत को कोलोन को जो ये ब्लड चाहिए, ब्लड से न्यूट्रिशन पहुंचता है तो वो कोलोन हमारी पावरफुल रहती है। लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाता है, इसको ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये पार्ट डेड हो गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारा खाना तो जरूरी है डेली, चाहे साफ हो या नहीं हो। आज ये जो पूरी दुनिया जो बीमार है, पूरी दुनिया जो मौत का कारण है, ये केवल डिसेंडिंग कोलोन, ये जो लोअर पोर्शन है, ये कोलोन का जो आखिरी पोर्शन है, ये डेड हो गया है, पार्शली पैरालिसिस हो गया है, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हुए हैं, इसको ब्लड नहीं मिला है, न्यूट्रिशन नहीं मिला है। अगर आप इस कोलोन को ठीक रखिए तो जितनी उम्र जीना चाहे जी सकते हैं, क्योंकि इसका काम होता है गंदगी फेंकना। ये जब गंदगी नहीं फेंकती है और हम नियम टाइम से खाते हैं तो वो अंदर फर्मेंट होता है, सड़ता है, ऑटो इंटॉक्सिकेशन होता है, हमारा खाया ही हमें बीमार करता है। और अब ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कुदरत ने दिया है वन वे स्ट्रीट, भोजन यहां से लेना है ऊपर से और मुख से लेना है, और कचरा जो है गुदा के द्वार बाहर निकलना है। लेकिन जब नहीं निकलता है तो उल्टी ट्रैक चालू होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारा पेट भारी होता है, साफ नहीं होता है, हम लगाते हैं प्रेशर, प्रेशर लगाने से पाइल्स होते हैं, और प्रेशर लगाते हैं तो हर्निया होता है, प्रेशर लगाते हैं तो फिशर हो जाता है, गुदा के इसमें दरार बन जाती है। और इसके बाद कचरा जब यहां पेट से नहीं निकलता है तो ये जो है एक फिस्टूला, नया रास्ता बन गया। और इसके बाद क्योंकि कुदरत को तो गंदगी निकालना है, अब मान लो एक रास्ता नहीं निकाल रहा है तो नया रास्ता ये फिस्टूला का बन गया। अब गंदगी, क्योंकि हमारा खाना तो चालू होता है चाहे निकले चाहे नहीं निकले, गंदगी अब उल्टी ट्रैक चलती है, ये यहां से जब ऊपर जाती है तो यहां अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, आगे जाती है तो डायवर्टिकुलोसिस हो जाता है, गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, इधर आगे जाता है तो इधर कैंसर हो जाता है, और इधर कुछ लोगों की देखी होगी आपने कि बाहर आउट ग्रोथ निकलती है जिसको पॉलिप बोलते हैं, ये अंदर पॉलिप निकलती है, ये जो पॉलिप होती है यही कैंसर में बदलती है। और इसके बाद ये उससे आगे जब इधर है यहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज, अंदर सूजन हो गई है, और इधर अपेंडिक्स में आता है कचरा तो अपेंडिसाइटिस हो गया है, और इसके बाद कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है और खाना ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये आते इसमें धस गई है, इसको इंट्रासप्शन कहते हैं। इसके बाद कचरा यहाँ नीचे से ऊपर जाता है, ये ड्योडिनम में जाता है तो ड्योडिनम का अल्सर, ड्योडिनाइटिस या ड्योडिनम के रोग हो जाते हैं। इधर से अगर पैनक्रियाज में जाता है तो पैनक्रियाटाइटिस,
या पैनक्रियास का कैंसर या पैनक्रियास के रोग। इसके बाद ऊपर जाता है तो गॉल ब्लैडर में पथरी, गॉल ब्लैडर के रोग, और ऊपर जाता है तो लिवर के सब रोग होते हैं। इसके बाद ये गंदगी इधर पेट में आती है तो पेट के रोग होते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसके बाद कचरा जब यहाँ से आगे इधर ईसोफेगस में जाता है तो हाइटल हर्निया होती है। गंदगी नीचे से ऊपर जा रही है और हमें जो ये उल्टी होती है, जुकाम होता है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ये उल्टी ट्रैक है। और आपको मैं बताऊं, ये देखिए, ये इसमें दिखाया है ये कितने दिन का अंदर कचरा पड़ा हुआ है, ये जो बन गया है हाउस या रिसॉर्ट ऑफ इलनेसेस। हमारा जो पेट है वो छाती के अंदर होना चाहिए, नरम होना चाहिए, लेकिन ये जो है ये बीमारी का घर बन गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए क्या है कि नॉर्मल कोलोन हमारी ये है, लेकिन इसमें देखिए ब्लॉक हो गया है, ये फूल गई है, फिर इसमें देखिए ये पतली हो गई है इसको, और इसके बाद ये लटक रही है। आपने देखा है कुछ लोगों की ये जो पेट लटकता रहता है तो आंतें लटकती रहती है, ये मेन क्या है, ये हमारा पाचन तंत्र, जो हमारी बड़ी आंत है, जो आंतें हैं, ये सब कमजोर हो गई है, ये गंदगी को फेंक नहीं रही है और यहाँ से ही बीमारियाँ होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, ये इतनी प्यारी पुस्तक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, अगर कोई इसको पढ़े ना तो मैं बता रहा हूं किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या बताया है, ये बताया है सबसे पहले जो कब्ज होता है तो शुरू में हमें होता है ज्यादा, हम ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा कचरा निकलता है, ज्यादा मोशन होता है, हम अपनी आदत को नहीं बदलते हैं तो इसके बाद डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, इसके बाद फिर हम दवाएं लेते रहते हैं तो कब्ज होता है, आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, और इससे बढ़ते बढ़ते ये पूरे सब रोग होते हैं और एंड्स जाता है कैंसर में। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है नींद नहीं आने से डिप्रेशन एंड पागलपन भी कब्ज से होते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखो क्या है कि ये तो मैंने बताया कि उल्टी ट्रैक बीमारियों की कैसे हुई, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ठीक कैसे करें अपने आप को। पहला नंबर आता है नींद ऐसी होना चाहिए, सोए तो मर गए कट ऑफ होना चाहिए। नींद में होता क्या है, नींद में होती है हमारी बैटरी चार्ज, और जो चार्ज होती है वो ही गंदगी को बाहर निकालती है। लोग बोलते हैं पानी पीने के बाद पेट साफ होता है, चाय पीने के बाद पेट साफ होता है, मैं बता रहा हूं मेरा मंडे का निर्जल उपवास होता है, मैं तीन तीन बार टॉयलेट जाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा जिस दिन आप दोपहर में नींद करते हैं अपने आप पेट कैसे साफ होता है। आप क्या करिए, एक दिन नींद नहीं करिए, दूसरे दिन नींद नहीं करिए, तीसरे दिन नींद नहीं करिए, आपकी देखिए स्थिति क्या होती है। कितने भी टॉनिक्स लीजिए सब बेकार हैं, क्योंकि नींद से क्या आता है, शक्ति आती है, और शक्ति जो है ये हमारे सब काम करती है। दूसरा नंबर आता है एनेमा, देखिए ये शुरू में लेना है, हमेशा नहीं लेना है। ये एनेमा ऐसा है, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग एपरेटस, अगर किसी की मौत हो रही है ये एनेमा दे दीजिए तो मौत टल जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं एनेमा कैसे लेते हैं, देखिए इसको हम टॉयलेट में लगाते हैं 4 फीट ऊपर, धागे से बांध देते हैं, इसमें पानी भरते हैं, पानी कौन सा भरते हैं जो टॉयलेट में है, न गरम करना है न ठंडा करना है, क्यों कि गरम पानी आंतों की शक्ति को कमजोर करता है और ठंडा पानी आंतों की शक्ति को बढ़ाता है। जब पानी भरते हैं इसको 4 फीट हम ऊपर लगाते हैं और ये दूसरा छेड़ा इसका नीचे है, तो पानी यहां से कैथेटर से निकलता रहता है इस छेद से।
जैसे ही निकलता है पानी, हम क्या करते हैं, इस नोजल को बंद कर देते हैं और इस छेड़े में लुब्रिकेंट लगाते हैं, तेल या वैसलीन। ये लगा करके ये बैठे बैठे इतना टुकड़ा केवल मल द्वार के अंदर भेजते हैं और इसके बाद इसको खोलते हैं। पानी जैसे ही अंदर जाता है कोलोन में मल द्वार से, वहां पे ये जो हमारी पीछे एक मुड़ी हुई हड्डी रहती है जिसको बोलते हैं सैक्रल बोन, वहां पे रहती है सैक्रल नर्व। जैसे ही पानी उसे टच होता है, मोशन की इच्छा होती है। जैसे ही इच्छा होती है, हम इसको बंद करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, धो करके साफ करके फिर मल द्वार के अंदर भेजना है, फिर इसको खोलना है, फिर पानी अंदर जाएगा, मोशन की इच्छा होगी, इसको बंद करेंगे, इसको बाहर करेंगे। दो बार सुबह, दो बार शाम को आधी बीमारियां तुरंत खत्म हो जाती है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, देखिए घर में जो हम गाड़ी रखते हैं, गाड़ी का जब हम सर्विसिंग करवाते हैं, सर्विसिंग करवाने के बाद कितनी देर के बाद गाड़ी सही चलती है? तुरंत, तुरंत सही चलती है। हमारे यहां हम जो ये एनेमा देते हैं, कितने भी किसको कैंसर चाहे, कितने भी क्रिटिकल स्टेज हो, तड़फ रहा हो, आप ये एनेमा दे दिए, तुरंत जो है वो बीमारी का प्रेशर खत्म हो जाता है। तो पहला नंबर है एनेमा। एनेमा के पानी को पूरे अंदर नहीं भेजना है, ये पूरा नहीं लेना है, केवल जो हमारा जो रेक्टम है, रेक्टम तक हमें पानी पहुंचाना है, क्योंकि जो सैक्रल बोन, जो सैक्रल नर्व है, उसका स्टिमुलेशन चाहिए। और ये इमरजेंसी का साधन है, लेकिन हमेशा नहीं लेना है, शुरू में लेना है, जो रक्त के ब्लॉक हैं वो निकलना चाहिए। इसके बाद दूसरा होता है, जैसे देखिए हम नींद डेली क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत है नींद करने की, हमारे दिमाग और शरीर को आराम चाहिए, तो अंदर के अंगों को कब आराम दें? हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को तीन पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटा खाने को दीजिए, दिन भर हम खाते हैं, 8 घंटा पचाने को दीजिए, रात को सोते हैं तो खाना पचता है, पचने के बाद जो गंदगी बनती है शरीर सुबह ही उसको बाहर फेंकता है, टॉयलेट बाथरूम सुबह ही होता है, लेडीज उठती है सबसे पहले घर को साफ करती है। अगर जब वो साफ करती है हम दूसरा काम दें तो सफाई का हो पाएगा क्या? मैं बता रहा हूं, जो दुनिया का जो कोई भी डॉक्टर हमें फिट नहीं करता है, फिट करती है हमारी शक्ति, शक्ति आती है नींद से, और वो हमें उसकी किसी सहारा नहीं चाहिए, वो नींद जो है वो गंदगी को तेजी से फेंकती है। और दूसरी बात, सुबह सुबह हमें जो है कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुबह होता है गंदगी फेंकने का, निर्जल उपवास, जल भी नहीं लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, आप नींद से उठिए, आप क्या करिए, हैवी फूड लीजिए, आपको तुरंत नींद आने लगेगी, आपको तो लग रहा था अच्छा काम करना है, क्या हो गया, शक्ति तो एक ही है, उसको पचाने में लगा दो, या गंदगी निकालने में लगा दो, या बीमारी को ठीक करने में लगा दो। हमारी शक्ति के जो है तीन कार्य होते हैं, पहला होता है भोजन को पचाना, दूसरा होता है गंदगी को निकालना, तीसरा कार्य होता है रिपेयरिंग करना। मैं आपसे बोलूं, तीन काम साथ में करिए, मेरी बातें भी सुनिए और इसके बाद किचन में भी जाइए और इलाज लेने भी जाइए। एक समय में तीन कार्य संभव है क्या? एक समय में एक होता है, अगर तीनों की ओर कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हम नींद से उठे, क्योंकि हमें बताया गया है आयुर्वेदिक के शास्त्रों में, या हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया है, हमें उषा पान लेना है, ताम्र के लोटे में पानी पीना है। उसमें शास्त्रों में यह भी बताया कि लंघनम परम औषधम, हमें उपवास करना चाहिए। सप्ताह में नौकरी करने जाते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, बिजनेस करते हैं एक दिन छुट्टी मिलती है। ये मशीन, हमारी मशीन, इसको आराम नहीं चाहिए। हमें आराम कौन सा चाहिए? हमारे तीन प्रकार का आराम चाहिए,
पहला फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, अंदर के अंगों को भी आराम देना है। यहां से गाड़ी दिल्ली पहुंचती है, बोलते 12 घंटे आराम की जरूरत है। फ्लाइट दुबई पहुंचता है, बोलते 12 घंटे आराम की जरूरत है। तो इसको कब दें हम आराम? मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखो हमारी मशीन क्या बोलती है। ये मशीन बोलती है आप 8 घंटे काम करते हो, तो बोलते हो मेरे को 8 घंटे आराम चाहिए। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बोलता है स्टमक, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बोलता है मेरे को आराम की जरूरत नहीं है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, हम कोई जूस लेते हैं तो ये 1 घंटा काम करता है, फल लेते हैं तो 2 घंटे काम करता है, और अगर पका खाना लेते हैं तो 4 घंटे काम करता है, और अगर घी तेल चिकनाई लेते हैं तो 6 घंटे काम करता है। ये बोलता है कि 6 घंटे में अगर काम करता हूं तो मेरे को 6 घंटे तो आराम दीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह 9 बजे खाना खाइए। ये इतना पावरफुल अंग है, ये 3 परतों से बनता है, दूसरे सब 2 परतों से बनते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, कैसा भी कठोर होता है, ये अंदर उसको गोथता है, लिक्विड बनाता है, लेई बनाता है। और ये जो 9 बजे काम चालू कर देता है, 1 बजे तक वो काम पूरा कर लेता है लिक्विड बना करके, चाइम बोलते हैं उसको। 1 बजे के बाद ये नीचे डियोडिनम में भेजना चालू कर देता है, 2 बजे खाली हो जाता है। अब ये बोलता है मैंने 5 घंटे काम किया है, मेरे को 5 घंटे तो आराम दो। माना 2 बजे से लेके हम 7 बजे तक कुछ नहीं खाएं, फिर 7 बजे खाएं, फिर दूसरे दिन हम जो है 9 बजे खाएं। इसको हर हर खाने के बाद इसको 5 घंटे आराम चाहिए। टोटल इनको 24 घंटे में 10 घंटे आराम चाहिए, लेकिन हम आराम नहीं देते हैं। ये लिखो, ये देखो हमारा पूरा सिस्टम, ये टायर्ड है, थक गया है। बीमारी की जो उल्टी ट्रैक चलती है, केवल हमारा पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है। क्यों? हम उसको आराम नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने गोरखपुर में विट्ठल दास मोदी, कोई भी जाता है ये बुक पकड़वा देता है, सामने वाला जो पढ़ता है, जो बीमारी 6 महीने में ठीक होती है उपवास से 6 दिन के अंदर ठीक होती है। जिसने उपवास करना सीखा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं खाने से रोग होते हैं और नहीं खाने से रोग ठीक होते हैं। आधा दिन खाएं, आधा दिन नहीं खाएं, जैसे हमारे लिए काम, आराम, दिन रात, नींद करते हैं ना, वैसे हमारे अंदर के अंगों को आराम देना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके यहां रोग चाहते हैं एक दिन के अंदर ठीक हो, तेजी से ठीक हो, तो जितना जो हम यहां बोलेंगे नहीं, जितना जो आप उपवास का अभ्यास करेंगे, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता है, ठीक करती है उसकी शक्ति। तो हमें इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तीसरा मैं आपको एक बात बताऊं, तीसरा हमें चाहिए फलहार। 42 साल पहले मैं बीमार था, जब मैं नेचर क्योर में आया, मेरा खाना बंद कर दिया। हमने कहा अच्छी मुसीबत है, लोग बोलते तो अंत ही मत, तब बोले 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है। हम वो खाना चालू किया, 3 महीने के अंदर कंप्लीट ठीक हो गए, जो असाध्य रोगी थे सुसाइड कर रहे थे। जब ये किताब हमारे हाथ में आई, मैंने ये पढ़ा, 1.5 साल में इस पे रहा। 42 साल की उम्र में 5 साल का डिग्री कोर्स करने गया, 18-20 साल की बच्चियों के साथ में, ये इक्वलेंट टू MBBS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का कोर्स करके आया। उसके बाद हमने ये कॉलेज खुलवाया, ये जो आज हमारे बच्चे देख रहे हैं ना, 300 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये जिसको ऐसा कोई दुनिया में रोग नहीं है, इससे जो ठीक नहीं होता है, कैसे ठीक होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। संत महात्मा की दोस्ती पसंद करता है, बुरा इंसान बुरे को चाहता है। भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया वो जीवित है, तो जीवित को जीवित चीजें चाहिए। जीवित अजीवित में क्या फर्क होता है? आप गेहूं के दाने लीजिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, अंकुर दीजिए,
पानी में, जमीन में डालेंगे, पानी दे देंगे तो अंकुर निकल आएगा। दूसरे गेहूं के दाने लीजिए, तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक भी अंकुर नहीं निकलेगा। हमारा जो ये शरीर ये जीवित है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम यहां से फल सलाद जूस लेते हैं, फल सलाद जूस अंदर के सभी अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है 6 घंटे में। आप क्या करिए, गाजर या बीट का टुकड़ा लीजिए, चुकंदर का, यहां से खाइए, देखो अंदर के अंदर की शक्ति बढ़ाता हुआ बाहर निकलता है केवल 6 घंटे में। और आप कोयले का टुकड़ा लीजिए, पक्के खाने में डाल दीजिए, खाइए, जो पक्का खाना माना डेड फूड, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करता हुआ बाहर निकलता है 48 घंटे में। नाश्ता किया तो 48 घंटे, दोपहर खाया तो 48 घंटे, रात खाया तो 48। जो चीज 48 घंटे रहेगी वो मैं बीमार नहीं करेगी तो क्या करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहां 8 दिन के अंदर देखेंगे ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें में ऐसा कोई दुनिया का रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। ये हमारी धरती बहन है, वो बोलती है एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं रहता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर रिजल्ट यहां पे चाहिए तो इसको जितना इसमें संकोच नहीं करिए। अभी आपका रिजल्ट 1 दिन में चाहिए, आधे दिन में रिजल्ट चाहिए, आखिरी दिन नहीं चाहिए। 2-3 बार 4 बार सुबह दोपहर शाम रात 3-4 बार एनेमा लीजिए, क्योंकि इसमें से निकलता तो क्या निकलता, कचरा ही तो निकलता है। और ये हल्का तो ये हल्का, ये भारी तो ये भारी, ये बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, ये साफ तो बीमारी माफ। और इसके बाद जैसे नींद जरूरी है, जितना ज्यादा अंदर के अंगों को आराम देंगे उतनी शक्ति आती है। 2 और 3, ये अंगों की शक्ति को बढ़ा के गंदगी को बाहर निकालता है। और इसके बाद आता है इलाज। इलाज क्यों जरूरी है, 2 महीने में हम क्यों सोचते हैं गाड़ी की सर्विसिंग होना चाहिए। ये भगवान ने जो ह्यूमन मशीन दी है इसकी सर्विसिंग नहीं चाहिए। इसकी आप यहां पे जब इलाज लेके देखेंगे आप बोलेंगे पहले क्यों नहीं ये मिले हमें, सब जो है शरीर कैसे तुरंत हल्का हो जाता है। और इसके बाद आता है ग्रीन ड्रिंक। ग्रीन ड्रिंक माना पालक एंड आंवले का रस। और इसके बाद आता है नींद, और इस नींद तो हो गई, इसके बाद आता है अपना जो है व्यायाम, थोड़ा बहुत चाहिए। आप एक नई गाड़ी ले आइए, छोड़ दीजिए तो जंग लग जाएगा। हमारी जो 5 फीट की कोलोन है, शरीर है, इसका डेली प्राणायाम करें, योगासन करें, कमर के व्यायाम करें, ये जरूरी है। अपने को 10-15 मिनट के लिए ये करना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो भगवान ने 5 फीट की कोलोन दी है, ये जिसकी कोलोन अच्छी है वो 1 साल नहीं 500,000 साल जिएगा। हम जो बाहर से सुंदर दिखते हैं, ये देखिए अंदर क्या दिखता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये दिख रहा है कुछ आपको, ये जीवित पोजीशन है, ये लाइव पोजीशन है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये गड्ढे गड्ढे, इन गड्ढे गड्ढे में कचरा रुकता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, तो गैसे जहां टकराती है वहां दर्द होता है और इनफेक्ट ऑर्गेनिज्म इंफेक्शन पैदा करके पूरे शरीर में टॉक्सिन्स को भेज देते हैं। इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। और इसके बाद मैं आपको और बताऊं, ये देखिए, ये देखिए दूसरा, इसको बोलते हैं इंफ्लेमेटरी बावल डिजीज, क्रोन डिजीज। ये देखिए पूरे में सूजन है बड़ी आंत में। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये अंदर देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, और अल्सर छाले कचरा, ये स्कोप कोलोन स्कोप होता है, ये अंदर जा रहा है और अंदर की स्थिति दिखा रहा है। और ये भी जो स्कोपी की है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने की है, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद ये देखिए ये पॉलिप कैसे बन रहा है, ये देखिए ये पॉलिप,
ये जो बाहर से आउट ग्रोथ निकलती है ना, ये अंदर निकल रही है और यही कैंसर में कन्वर्ट होती है। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है। ये देखिए, ये मेन क्या है, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम, ये देखिए, अब ये देखो कैंसर में कैसे बदल रहा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको। और इसके बाद जो लोग गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं और ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दालें खाते हैं, तो ये अंदर देखिए, ये अंदर की जगह कितनी छोटी हो गई है। हमारा मल डेली केले के बराबर होना चाहिए। छोटे बच्चे का या जानवर का देखेंगे केले के बराबर है, लेकिन हमारा उंगली के बराबर रह जाता है। और इसके बाद मैं आपको ये बात बताऊं, जो नॉर्मल स्टडी क्या है, ये है नॉर्मल स्टडी। अगर ये स्टडी है तो एक साल नहीं, 500,000 साल, जितने साल जीना चाहें ये जी सकते हैं। ये है नॉर्मल स्टडी। इसके बाद मैंने जो आपको ये बुक बताई है, अब ये देखिए बुक में क्या लिखा है। ये लिखा है, ये जो बुक है इसमें लिखा है कि शक्ति, जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो हमेशा एवर यंग फिट रहेगा। और इसके बाद लिखा है ग्लैमर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हमारा इलाज कहाँ पे, आप उसको समझिए। फिर लिखा है हमारे ये जो स्टमक है उसका पावर कम कैसे होता है। और इसके बाद लिखा है हम जो पका करके खाना खाते हैं, हमें चाहिए हमारे दांत जो है मेस्टिकेशन होना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन पका के नरम करके खाते हैं तो बीमारियां वहीं से होती है। फिर ये लिखा है डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम कोलोन। फिर ये लिखा है गैस, गैस कहाँ बनती है, क्यों बनती है। फिर ये लिखा है यूजेस एंड एब्यूसेस ऑफ एनेमा, हमें एनेमा लेना है या नहीं लेना है। इसमें लिखा है शुरू शुरू में लेना है थोड़े पानी का, उसके बाद फिर कभी नहीं लेना है, लेकिन इमरजेंसी में हम ले सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू एनेमा लेने से भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि गैस कहां बनती है। देखिए क्या है, हाँ, क्या है कि जैसे हमें, जब हम खाना खाते हैं ये अंदर गया, यहां पे जो हवा हुई वो निकल जाती है, इसको डकार बोलते हैं, ये है नॉर्मल। लेकिन भूख नहीं है, खाना खाया अंदर जाएगा तो सड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अगर मुख से निकल गई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकली तो हमारा स्टमक में दर्द होने लगता है। दूसरी गैस बनती है इस कोलोन में, कोलोन से जो कचरा फेंक नहीं रही है तो यहां पर जब सड़ता है तो बदबू वाली गैस निकलती है, और नहीं निकलती है तो ये जो है दर्द पैदा करती है। तीसरी, खाना भी चालू हुई है और ये पेट भी साफ नहीं हो रहा है तो ये छोटी आंत में जो ये गैस बनती है ये पेट में दर्द होता है। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आपका पेट साफ है तो कभी गैस नहीं बनेगी। और जीवन में अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन का हम उपयोग करते रहेंगे तो वो गैसेस को पेट के रास्ते से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है, हाँ, ये देखो, ये दिया है ट्रांजिट टाइम, ये कितना तेजी से ये गंदगी को फेंकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिक ने बताया है कि हम क्या खाते हैं और हमारा ये सिस्टम कैसे काम करता है, और तीसरा गंदगी कैसे फेंकता है, हमारा जो पूरा जो कव्स का जो है वो डिपेंड इसके ऊपर रहता है। ये देखिए, ये पानी निकलता है जो टॉयलेट में जाते नहीं है, सुबह 4 बजे जब हम जाते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अच्छी तरह से मोशन होता है 4-5 बजे, लेकिन पानी एब्जॉर्ब होता रहता है, ये गुठलियाँ बनती रहती है अंदर, देखो ये चिपक गया है, और फिर इसको टुकड़ा काट के बाहर निकाल देते हैं। और ये जो है हमारे लुई कुनी, जिन्होंने 3 किताबें लिखी है, जिनसे महात्मा गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। इसके बाद ये देखिए नियम है, जितने बार खाना उतने बार जाना। हमारे यहां जो भी आते हैं ना, हम एक ही क्वेश्चन करते हैं, साहब आपका पेट कितनी बार टॉयलेट जाते हो, सबका कहना होता है 1 बार। हम पूछते हैं खाना कितनी बार खाते हो, सबका कहना होता है 4 बार। कुछ कुछ लोग बोलते हैं 2 बार हमारा मोशन होता है। खाना खाते हैं 4 बार और टॉयलेट जाते हैं 1 बार। और मैं बता रहा हूं
चार बार तो नाश्ता दोपहर शाम और रात, और चाय समोसा कचौड़ी तो फ्री है। आपने अभी देखा कि वो कोलोन जो हमारा स्टमक है वो बोलता है कि 5 घंटे मेरे को आराम चाहिए। हम तो क्या करते हैं, दिन में 5 बार पानी, 5 बार चाय, 5 बार खाना, वो पूरा सिस्टम थक गया है, इसलिए सब बीमारियां वहीं से हैं। तो देखो पेट से ही बीमारियां फैल रही है। तो ये देखो जब हम नाश्ता करते हैं तो ये ग्रीन कलर का मल बनता है, ये जो दोपहर का है ये जो लाल कलर का मल है, और जो रात को खाते हैं तो ये ऑरेंज कलर का मल है। जब हम 3 बार भोजन करते हैं, 3 बार टॉयलेट जाते हैं, अंदर की ये कंडीशन होती है, बाहर की ये कंडीशन होती है, पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, स्वस्थ की निशानी है। 3 बार नहीं जाते तो देखिए कितने दिन का, सुबह दोपहर शाम कितने दिन का अंदर ये पड़ा हुआ है मल, और अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है, और अंदर ये गुठलियाँ गुठलियाँ हो जाते हैं, जाले जाले, और 100% रोग कब्ज से होते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, कब्ज को ठीक करने के लिए ये जो हमें आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा है, उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि आज क्या है, पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। क्यों, क्या खाता है, पका हुआ खाना, डेड फूड। दूसरा लेता है एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट, दूध, दही, आइसक्रीम, मिठाई, घी, तेल, चिकनाई, नॉनवेज, और इनका परिणाम होता है कब्ज। सॉल्यूशन है एनेमा, उपवास, फलहार, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी, तेल, चिकनाई नहीं चाहिए, और ये संजीवनी बूटी। हमारे जितने भी रोग आते हैं, कितना भी क्रिटिकल जो रोग होते हैं, केवल इसी सिस्टम से ठीक होते हैं। और 5 दिन के अंदर डायबिटीज ठीक होती है, बिल्कुल ऐसे कितना जो कहीं पे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, केवल इन 5 चीजों से मिलता है, और आप यहां प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट लेके जाएंगे। ये देखिए घी, तेल, चिकनाई, ये चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टी कोम्बेल ने ये सिद्ध करके बताया है, जिनको सांस की तकलीफें होती है, जिनको हार्ट की तकलीफें होती है, जिनको किडनी की तकलीफें होती है, जिनको गठाने होती है, जिनका वजन बढ़ता है, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, दुनिया के जितने भी रोग होते हैं मेन होते हैं एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट के कारण। और जिनको ये प्रॉब्लम थी, जब इन्होंने ये खाना छोड़ दिया तो ये फलहार लेना चालू किया तो ठीक हो गए। इसके बाद ये नींद बताइए, नींद ऐसी चाहिए, ये वाली नींद नहीं चाहिए, पेट के बल सोना है, और ये कितने घंटे सोना है, कब सोना है। जो पका हुआ खाना खाते हैं उसको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन जो इल पर्सन है, रोगी पर्सन है, उसको 8, 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए। मैं अकेला नींद करवा के यहां से ठीक करता हूं, मैं नहीं ठीक करता हूं, नींद में जो बैटरी चार्ज होती है वही हीलिंग एंड रिपेयरिंग का काम करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहां पे जितनी ज्यादा नींद करेंगे उतना तेजी से ठीक होंगे। तो नींद अच्छी आएगी कहां, आज दुनिया को नींद नहीं आती है। कभी कभी हम थके होते हैं, कोई बोलता है खाना खाइए, हम बोलते हैं नींद चाहिए। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम मन में थिंक करते हैं कि हमें 8 घंटे सोना है, तो माइंड हमारा नींद के लिए तैयार हो जाता है, सेडेट हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना 4 बजे उठना है, अपने आप कैसे नींद खुलती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता। नींद में जो बैटरी चार्ज होती है वही तो आनंद देती है। आज पूरी दुनिया तनाव करती है, मैं तनाव नहीं करता, मैं प्रयास करता हूं। मेरे को किसी ने कहा कितना काम करते हैं, मैंने कहा मैं तो काम करता ही नहीं, मैं काम करता तो लोड इसके ऊपर आता। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक लेडी ट्रेन में बैठी थी, उसने सामान का बक्सा सिर के ऊपर रख दिया। दूसरे ने कहा बहन आपने सामान का बक्सा सिर पे क्यों रखा है, बोली देखिए पहले ही मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन भी ट्रेन पे रखूं, अल्टीमेट वजन कहां था। हम लाख चाहे कोई काम कतई नहीं होता है, होता वो है जो उसको मंजूर होता है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। हमें तनाव नहीं करके हमें प्रयास करना है। तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है, एनर्जी आती कहां से, एनर्जी नींद से आती है। प्रयास में पैसों एनर्जी लगती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुरुजी बच्चों को योगा के लाभ बता रहे थे, तो बच्चों ने कहा योगा से इतने लाभ होते हैं, आप करते होंगे। उन्होंने कहा मैं दिन भर योगासन करता हूं। तो बच्चों ने कहा आप दिन भर योगासन करते तो काम कब करते हैं, बोले मैं आसनों का राजा आसन करता हूं। राजा आसन क्या है, शव आसन, रिलैक्स।
आज के युग में जिसने तीन चीजें सीखी, रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप, वो हेल्थ का धनी है। हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं सेल्सवियर मिचेल, केवल नींद करवा के लोगों को ठीक करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नींद के लिए मैंने क्या बताया, हमें चिंतन नहीं करना है, नींद के लिए हमें सिमरन करना है या थकाना है। काम में भिड़ जाइए, आप काम में भिड़ जाइए, ऐसी नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और कच्चा प्याज लहसुन नींद आने में मदद करता है, गर्म पानी में पैर डालें तो नींद आती है, और इसके अलावा सूती नीलपेट से नींद आती है, और कोई कंघी फेरे तो नींद आती है, और कोई अरुचिकर किताब पढ़े तो नींद आती है, डार्क कमरा कर दे तो नींद अच्छी आती है, मन में सोचने से नींद अच्छी आती है। नींद लाने के ये तरीके हैं, और मैं बता रहा हूं क्या है कि साधारण मनुष्य को 8 घंटे, लेकिन मैंने बताया ना इल पर्सन को 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए, और जो बच्चे को है 10, 12, 16 घंटे चाहिए, उसको ग्रोथ करना होता है। छोटा बच्चा कितना सोता है? तो ये, और एक तीसरी चीज मैं बताऊं क्या है, आपको पता है हमारा दिल जन्म से लेकर मरने तक कंटिन्यू काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है। अगर वो 1 मिनट रुक जाए तो हम उड़ जाएं, देर नहीं लगेगी। वो क्या करता है, उसके पास कला है। कौन सी कला है? वो 0.3 सेकंड के लिए काम करता है, पूरे शरीर में खून भेजता है, और इमीडिएट विश्राम करता है 0.5 सेकंड के लिए। काम करता है 0.3 सेकंड के लिए, विश्राम करता है 0.5 सेकंड के लिए। जब विश्राम करता है 5 सेकंड तो बैटरी चार्ज हो जाती है, नया काम अच्छे ढंग से करता है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 1 घंटा आराम करिए, 5 मिनट आराम करिए, लेकिन आप हमेशा रिलैक्स रहिए ना। हमने क्या सीखा है? हमने केवल यही सीखा है, आज पूरी दुनिया क्या चाहती है? प्यार चाहती है। मैं प्यार का भूखा हूं। आज ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, ये क्यों आता है? जिसको देखो जरा सी बात करो तो आग बबूला। नींद नहीं करते, बैटरी चार्ज नहीं करते हैं, और एनर्जी का ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। आज हमारी माताएं बहनें खड़े हुए खाना बनाती है, जिसको देखो टांगों में दर्द। हमें काम करके, ये खड़े हुए काम करने में ज्यादा शक्ति लगती है, बैठ करने में कम लगती है, और लेट कर काम करने में 0 शक्ति लगती है। जिसने शक्ति बचाना सीखा वो हजारों साल जिएगा, जितनी उम्र चाहे। क्यों? कि देखो, एक तो ये सीखना है कि कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कब काम करना, कब आराम करना, केवल हमने ये सीखा है। और इसके बाद ये देखो, हमारे वैज्ञानिक ने लिखा है कि आप जो है, ये शेल्टन ने लिखा है कि आप जो है, मनुष्य लंबी उम्र के लिए बना है। इसने बताया ये जो है, एक हमारे पंत ये कितने 370 साल जिया है, 4 बार और दांत और बाल पैदा किए हैं। इसके बाद 207 साल जिया है, 180 साल, 172 साल, ये इतने दिए हैं कि कब जिएंगे? जो भगवान ने ये मशीन दी है, भोजन मुख से लेना, कचरा यहां से निकालना, जब यहां से नहीं निकलता है ये फेफड़ों के गया तो फेफड़ों के रोग, यहां से नहीं निकला किडनी की ओर गया तो किडनी के रोग, यहां से नहीं निकला चमड़ी की ओर गया तो चमड़ी के रोग। दूसरा, हम क्या करते हैं, हमारी शक्ति को डाउन करते हैं, दवाएं लेकर के, ऑपरेशन करवा के, ये और ये जो तनाव करके शरीर को हम जो है कमजोर बनाते हैं। इसमें लिखा है तनाव करने से कैंसर तक होता है, इसमें लिखा है भूख नहीं हम खाते हैं तो कैंसर तक एंड होता है, और ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये हमारे शरीर की शक्ति को कम करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? नींद अच्छी, कम से कम खाना या उपवास करना, शरीर को बनाने वाले नियम अपनाना और शरीर को तोड़ने वाले नियम हटाना, कोई भी रोग ठीक होता है। और ये लिखा है इन्होंने, लिखा है दवाएं जो है वो कमजोरी पैदा करती है, एक बीमारी को दबा के दूसरी बीमारी पैदा करती है, शरीर को तोड़ती है और मौत के घाट उतारती है। ये जो आपको 3 किताबें दी गई हैं, इसकी में स्वास्थ्य के लिए जो भोजन है उसमें पीछे लिखा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए भोजन एवं जो बिना दवा तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य सुडोलता, स्वास्थ्य सुडोलता में लिखा हुआ है ज्यों ज्यों दवा की त्यों मर्ज बढ़ता गया। हम जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, कैसे उलझ जाते हैं, एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरे के बाद तीसरी बीमारी, थोड़ा सा क्षण आराम मिलता है। इसके बाद ये देखिए, अभी मैंने जो आपसे वायदा किया है, मेरे को आपको डॉक्टर बनाना है,
डॉक्टर बनाने के लिए, देखिए हमारे जो वैज्ञानिक अमेरिका के लुई कुनी बोलते हैं, सब बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। तो ये जो गंदगी है शरीर में तीन रूपों में रहती है, वात पित्त और कफ। वात का अर्थ होता है वायु विकार। कहीं भी अगर आपको दर्द है, गैस हो रही है, माना समझो ये वायु विकार इंबैलेंस हुआ है। ये इंबैलेंस होता है ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दालों खाने से, और ये बैलेंस होता है ये अदरक सौंठ पुदीना मूली लहसुन से। इसके बाद दूसरा आता है जो है कफ दोष। कफ दोष का अर्थ होता है घी तेल चिकनाई। घी तेल चिकनाई से वजन बढ़ता है और सर्दी जुकाम खांसी ये जो है इसके इससे होते हैं। जब भी अपने को ये तकलीफ है आप इसको छोड़ दीजिए, मतलब आप क्या करिए, आप घी तेल चिकनाई बंद करिए और आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी या लीजिए या उपवास करिए, तो हमारी जो ये है ये कफ दोष बैलेंस होता है, वजन भी गिरता है और जो है जो सांस की तकलीफ है सब खत्म हो जाती है। तीसरे बाकी जितने भी रोग आते हैं वो आते हैं पित्त दोष के अंदर। पित्त दोष होता है पक्के खाने से और निगेटिव विचारों से, और ठीक होता है फलाहार से शुभ चिंतन से। तो आपको मैं बता रहा हूं जितने भी रोग हैं इन तीन दोषों के अंदर आते हैं। ये है ये जो सिद्धांत बताया है ये है प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत। आयुर्वेद में भी वात का पित्त होता है लेकिन उनके यहां अगर वात बिगड़ा है तो कफ को बढ़ा दो। हमारे इसमें ऐसा नहीं है, जिसके कारण जो तकलीफ हो रही है उसको छोड़ दीजिए, जिस जो चीज ठीक करने वाली है उसको लीजिए, आपकी तकलीफें खत्म। तो जितने भी रोग जो हैं ये जो अब आप जो है ना आप खुद आप किसी भी बीमारी का इलाज बना सकते हैं कर सकते हैं। तो ये जो है हम आपको कल से जो हमारे रहेंगे कल से सब बीमारियां स्टार्ट होगी और उसका इलाज आपको बनाना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बना के बताना है, क्योंकि मैंने वायदा किया है कि मैं आपको यहां से डॉक्टर बना के भेजूंगा, आप दूसरे का भी इलाज करें। थैंक यू।